भगवान जय जय श्री गुरु महाराज की जय जय श्री गुरु महाराज वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते महं भजे विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च नंदगो कुमाराय गोविंदाय नमो नमः सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरवे सानो निकटे वसंतम मुक्ते परमं विचित्रम देवं विशेषम महिमा सर्वदेव की भागवत महापुराण की विराजमान सर्वसंत भक्त मित्र मंडली की सब यजमान बंधुओं की सब नगर ग्राम बस्ती की जय जय श्री राम नमः पार्वती हर 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 महादेव ओ नव मंगल हो ओ नव मंगल शुभ श्री 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 श्री
मंदिर में, मंदिर में भगवान का नाम प्रवेश करे, इसलिए सब लोग भाव से श्री हरि भगवान शंकर तपस्या करने चले गए, लेकिन स्वार्थ लाई करही सब प्रीति। मैं थोड़ा गलत की जैसी आवाज हो ये सुखी कंजी कर तो सुर नर आ जाते हैं स्वार्थ दिखाई देता है। तो सच्चा प्रेम कहीं नहीं है। अम्बा पार्वती ने कहा नारद जी ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ, मैं अपनी बात कहूँ। असंख्य गुणगण निलय वृंदावन बिहारी गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ योगेश्वर इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अद्भुत भगवान का अत्युत्य सौंदर्य को सजे हुए श्री गोविंद महाराज का परम पावन विशेष कृपा अनुग्रह से एवं आप सभी अलई बाड़ी छीना विलग विलग नगर क्षेत्र से पधारे सभी अधिकस्य अधिकम फलम जैसे होता है ऐसे ही अधिक मास में कोई भी पुण्य कार्य करने से उसका हजारों गुना फल बढ़ जाता है। दान करें, धर्म करें, कथा सुनें, कीर्तन करें, मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन करें, उसका हजारों गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे ही अधिक मास में भगवान की कथा करने का कहने का अवसर प्राप्त हम और आपको हुआ, भगवान का सहयोग शांति से सब लोग बैठेंगे। जहां जैसे भगवान ने सहयोग बनाया है वैसे ही बनता है, नहीं तो ये कथा जो आपके यहाँ हो रही है ये कथा दिल्ली की एक संस्था के माध्यम से हरिद्वार में होनी थी, लेकिन शांति से सब बैठे बैठे दो। माता जी आप हल्ला क्यों बैठे दो कहे दो बैठे जो जहां जगह बैठनी है वहां बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। तो दूसरे के चक्कर में अपनी मनोवृत्ति खराब ना करो, शांति से। तो अधिक मास में भगवान की कृपा से ऐसा यह स्वसर हम और आपको कथा सुनने का यहाँ प्राप्त हुआ, और नहीं तो 27 प्रयास भी किया भट जी जोशी जी से बात करके, लेकिन आपने कहा महाराज जी नहीं, क्योंकि
हमारे निमंत्रण पत्र सब जगह, निमंत्रण सब जगह चले गए हैं, आ गए हैं। अब इसको आगे पीछे करना उचित नहीं है। हमने कहा ठीक है गोलजू महाराज की जैसी इच्छा हो। कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ में बस्ती, उन्होंने सबसे पहले जन्म लिया अंडे के रूप में। अंडे में भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। अंडे के भीतर अभी जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था कि बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी, तो सुख पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को वहीं पर छोड़ करके उड़ चले, अन्यत्र उड़ करके चले गए। अब कैलाश पर्वत पर उसका ट्रेवल थोड़ा कम रहा, सीटी से। लेकिन सुखदेव को लाए कौन? बड़ा दुख संत है सज्जन सुखदेव। नारद जी बड़े विचित्र संत हैं, जो काम संसार में कोई नहीं कर सकता उसको नारद कर देते हैं। इसे नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश करते हैं, अथवा नारद अज्ञानम यति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं, उनका नाम नारद है। तो अथवा तीसरा अर्थ है, हमारे वृंदावन में कहते हैं नारद, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो नारद, जिसकी बात को देवता भी रद्द नहीं करते उसका नाम नारद है। जिनकी बातों को देवताओं को भी स्वीकार करनी पड़ती है। स्त्रियों के रूठने का कमरा हिंदी में कहे तो माता पार्वती आज कोपों में चली गई, रात्रि में जब भगवान शंकर आया ना, तो उन्होंने पलट पलट देख दिया, मलिन वस्त्रों को धारण करके कोपों में बैठी थी, रुदन कर रही थी। भगवान शंकर आए, कहु समझाया, देवी क्या बात है, कोई अपराध तो नहीं हुआ? माता पार्वती बहुत देर तक तो बोली नहीं, और फिर माता पार्वती ने कहा आप रहने दीजिए, आप बाहर से भी काले और भीतर से भी काले। भगवान शंकर के नेत्र से आंसू बह गए। भगवान शंकर ने कहा भीतर का काला कहते, देवी मैं भीतर से काला नहीं हूँ। भगवान शंकर के नेत्र से अश्रु टपक पड़े। इतने वर्ष हो गया हमारे विवाह को, आज तक तुमने नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंड की माला है ना, ये किसके मुंड पर? करने का देवी ये कौन सी बड़ी बात है। कहाँ देवी, तो जो बोलते हो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। राम दिन राम, ताकि मेरा राम नाम में प्रेम हो जाए, चिता नाम शक्ति है। तो भगवान शंकर सोचते हैं राम के चरणों में मतलब प्रीति है। हमने कहा एक राजा था, आपने कहा हाँ जी, और संस्कृत में हाँ जी को कहते ओम, हाँ जी माने ओम। भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे और माता पार्वती ओम ओम रूप में स्वर कर रही थी। सजनों, माता पार्वती की समाधि लग गई, लेकिन व्यास मंत्र के पीछे जो तोता था, सुख पक्षी था, वो बड़े प्रेम से कथा को सुन रहा था। माता पार्वती की समाधि लग गई तो ओम ओम करना बंद हो गया, तो माता के स्वर में स्वर मिला करके ये सुख पक्षी ओम ओम करने लगा। सात दिन कथा पूर्ण हुई। श्री जब भगवान धरा धाम को छोड़ करके करने वाला कौन था? मुनिमान सुखदेव जी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। अब चलते चलते दौड़ते दौड़ते सुखदेव जी महाराज जब गए, जा मिली तो बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर आगे शम्याप्रास व्यास पिता है, और बिटवा देवी ने देखा सुख पक्षी उड़ता उड़ता गया,
भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे विठबा देवी को जमाई आई। विठबा देवी के मुख से उनके आपका नाम भोलेनाथ है, भोला माने जो सुंदर है, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। भोला राम भोला कृष्ण नहीं जुड़ा कहीं नहीं, भोले शंकर, भोले शंकर माने जो सरल है। कोई बालक होता है ना सीधा साधा, हो जहाँ बैठा हो वहां बैठ जाए, जहाँ उठा हो वहां उठ जाए, जो खाने के लिए वो खाने, तो माता पिता कहने वाला भोला है। ऐसे भगवान भोलेनाथ भी भगवान व्यास जी ने कहा भोलेनाथ शंकर हो, इसलिए आपका नाम भोले शंकर हुआ, आप बड़े भोले वाले हैं। अरे जब उसने आपकी अमर कथा सुन ली, अब आप त्रिशूल से उसको मार कैसे सकते हैं, तो अमर हो गया। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जी सुन लो, जन्म लेते हैं जन्म लेते ही सुखदेव ने संन्यास ग्रहण कर लिया। चार अक्षर की कॉपी होने लंबोदी भी उनके शरीर पर नहीं है, और सुप्रेत पुत्र पुत्र कहकर के ब्याज के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे परम पूजनीय श्री सुखदेव जी के चरणों में सुखदेव जी महाराज कृष्ण के नेत्रों में चपलता रहे। राम आपने जीवन जो भी अनुभव किया सर्वभूत कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं, क्या बात है, क्या कहना, वस्त्र के समान है और दुर्वस्त्र रहो तो भी वस्त्र पहनने के ही समान जरूरी है। साधु बनाने के लिए वृंदावन जा पहन कर भी बेईमानी कर देते हैं, और ऐसे साधु का चोला पहना रहे हैं कई लोग बेईमानी कर देते हैं। मृत्यु का नाम है उसका तीरज सहित मिले दक्षिणा मिला और दक्षिणा लेकर के वृंदावन गए। महाराज प्रभु गिरधर नागर सूर शामनागर सूर शाम Radhe 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 Radh
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का दास हो, धर्म का दास हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, विश्व का ज्ञान हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री गुरुजी महाराज की जय हो, श्री सत्येश्वर महादेव की जय हो, श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, हर 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 बड़ी शांति पूर्वक आपके पास आरती पंचामृत आ रहा है, उसको जो ग्रहण कर लेंगे पहले, और भंडारे का आयोजन किया गया है यहाँ पे, सभी लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाएंगे और प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। और कथा कितने मगन आगे तुझे मगन हम करिए चरण हम करिए चरण तन मन भक्ति ज्योति भक्ति ज्योति तेरा दर्शन तेरे
महाराज